हम सीखेंगे पुरानी मैक्सी का गजब का यूज। दोस्तों ये मेरी पुरानी मैक्सी है, इससे मैं एक बहुत ही गजब का आइडिया बताऊंगी। देखिए तो कैसे बनाना है वो आइडिया, तो देखिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने मैक्सी को फोर फोल्ड यानी कि डबल करके रख लिया है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर और अच्छा स्टैंड अच्छे से सेट करना है। फिर हम क्या करेंगे, नीचे से 20 इंच पर हम एक निशान लाइन खींचेंगे और पूरी पूरे कपड़े पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन से मापते हुए हम 9 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। देखिए इस तरीके से दो निशान हमारे लग गए हैं, एक 20 इंच पर दूसरा 9 इंच पर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बंद वाली एरिया है उधर साइड से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, दूसरा 2 इंच पर लगाकर नीचे हम 4 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और इस तरीके से कर्व दे देंगे। एक दूसरा कर्व हम देंगे आधा इंच छोड़ते हुए। फिर हम क्या करेंगे, 6 इंच की फिटिंग का नाप लगाएंगे और एक्स्ट्रा 1 इंच हम लगाएंगे। नीचे की साइड 5.5 इंच की हम फिटिंग लगाएंगे, बाकी जो है हम छोड़ते हुए 1 इंच लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने दो निशान लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने फिटिंग वाली निशान लगाया है उसके मिडिल में हम निशान लगाएंगे लगभग 2.5 इंच पर। देखिए लगभग 2.5 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरा आइडिया अगर पसंद आया हो, ये पुरानी बिना यूज मैक्सी से काम का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। देखिए इस तरीके से हमने पूरी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कट लगाएंगे जहाँ तक हमने ये निशान लगाया है, इस तरीके से हम यहाँ भी कट कर देंगे और साइड से हम अपने दोनों पार्ट अलग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए कट करके अच्छी तरीके से, जिससे हमारे बैक और फ्रंट के दो पार्ट बन के तैयार हो जाएंगे। दोस्तों ये मैं 1 से 2 साल बेबी गर्ल के लिए एक स्टाइलिश ट्रेंडी फ्रॉक बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही इजी है। बस आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि जहाँ पर भी आप स्किप करेंगे हो सकता है बाद में आपको पूरा वीडियो समझ में ना आए। देखिए 1.5 इंच पे हमने जो आगे का गला जो है वो 1.5 इंच पे लेते हुए 2.5 इंच का काटा और पीछे का गला जो है मैंने 2 इंच पे कटिंग किया और इस तरीके से देखिए पीछे वाला जो आर्म होल है थोड़ा हमने और कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट में 2 इंच मिडिल से एक कट लगा देंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इनकी सिलाई करेंगे कि किस तरीके से हमको ये सिलना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और मेरा आइडिया आपको अच्छा लगे, आई होप आपको मेरा आइडिया पसंद आया होगा, और आइडिया पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट है तो उसके लिए कमेंट्स करें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी वीडियो यूजफुल डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों देखिए इस तरीके से हम आधा आधा इंच की प्लेट्स डालकर सिलाई लगा लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था। देखिए फिर थोड़ा सा गैप देते हुए पूरी साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से, और दूसरी साइड से भी हम सेम प्लेट्स डाल लेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से, जिस तरीके से हमने इस साइड प्लेट डाली सेम उसी तरीके से हम इस साइड प्लेट डालेंगे। दोस्तों देखिए मैंने दोनों पार्ट्स में इस तरीके से प्लेट डाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट के बीच में जो सिलाई लगाई है वहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो आगे वाले पार्ट में हमने कट लगाया था 2 इंच का, तो हम 3 इंच का एक पट्टी लेते हुए इस तरीके से देखिए सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा, इस तरीके से सिलाई लगा ली है हमने। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसे कट मार लेंगे छोटे छोटे दोनों साइड, और कट मारने के बाद देखिए इसको हम आगे पीछे की तरफ पलट देंगे।
और पलटने के बाद देखिए इस तरीके से हम उल्टी साइड पलटते हुए इसमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने जो आगे की गले में हमने कट लगाया था वो फिनिशिंग हमने पाइपिंग तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट के मुड्डों को हम आपस में अटैच करेंगे। इस तरीके से हम दोनों पार्ट के शोल्डर अटैच कर लेंगे आपस में, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगाएंगे। दोस्तों आप चाहें तो सिंगल सिलाई लगा सकते हैं, चाहें तो डबल सिलाई लगा सकते हैं। मैंने डबल सिलाई लगाई हुई है, आप भी डबल सिलाई लगा लें। सिंगल सिलाई कभी कभी निकलने का डर रहता है। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों हमने लगभग 1.5 इंच चौड़ी और काफ़ी लंबी एक पट्टी ली है, जिससे हम क्या करेंगे आर्म होल और गले में पाइपिंग तैयार करेंगे। दोस्तों इस तरीके से देखिए हमको पाइपिंग लगानी है। दोस्तों ये देखिए हमने पाइपिंग लगा ली और गले में पाइपिंग हम थोड़ी छोड़ते हुए, देखिए थोड़ी छोड़ते हुए, जिससे हमें बद्दी तैयार करनी है तब लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे पाइपिंग की फिनिशिंग देंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से मोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये दूसरी सिलाई है हमारी पाइपिंग की। हमें पाइपिंग लगाते लगाते 3 सिलाइयाँ लगानी हैं, जिससे पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइप आर्म होम और गले की पाइपिंग तैयार होगी। दोस्तों देखिए इस तरीके से हम एक और सिलाई लगाएंगे, बद्दी थोड़ी जो हमने पाइपिंग काटी थी उसको पलटते हुए डबल फोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से ये हमारी पाइपिंग तैयार हुई है। अब हम क्या करेंगे उसको एक बार और अंदर की ओर पलटते हुए तीसरी सिलाई दोस्तों लगा लेंगे। इस तरीके से हम गले और दोनों आर होम को फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगा लेंगे। दोस्तों जब तक मैं पाइपिंग लगा रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक और शेयर कर दें। देखिए इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग लग के तैयार होती है। हमने सारी देखिए किस तरीके से ये गले में एक्स्ट्रा पाइपिंग रखते हुए हमने ला के तैयार कर लिया। अब हमें क्या करनी है साइडिंग की सिलाई लगानी है और उसके साइड की सिलाई लगाने से पहले हम क्या करेंगे अपने जो ट्रेंडी ड्रेस है बेबी ड्रेस इसमें स्ट्रेप लगाने के जो लगाएंगे तनी जिसे हम बोलते हैं पीछे बांधने के लिए उसको तैयार करना है। तो हमने इसके लिए क्या किया 2 इंच चौड़ा और 15 इंच लंबा हमने 2 पट्टियाँ कट कर ली थी, उनको इस तरीके से देखिए फोल्ड करते हुए हम बद्दी लगाएंगे। एक तरफ से चौड़ी रखेंगे और दूसरी तरफ से हम पतली तनी तैयार करेंगे। दोस्तों देखिए इस तरीके से ऊपर से ही सिलाई लगाते हुए ये तनी जो है आप अंदर अंदर ही सिलाई लगाकर भी तैयार कर सकते हैं, बाहर से सिलाई लगाते हुए भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें सेम टू सेम दोनों तनी बना के तैयार कर लेनी है। दोनों तनी हमने तैयार कर ली है, अब हम क्या करेंगे साइटिंग वाली फिटिंग सी सिलाई लगाएंगे। देखिए हम इस तरीके से सिलाई लगाते हुए लाए, जब मिडल जहाँ पे हमने दोनों पार्ट को अटैच किया है वहाँ पर हम अपनी तनी को रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम डबल सिलाई लगाएंगे दोनों साइड दोस्तों अच्छे से तरीके से। देखिए पलट से एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है और दोनों साइड सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। ये 1 से 2 साल के बेबी गर्ल के लिए मैंने फ्रॉक बना के तैयार कर ली है और बहुत ही अच्छी फ्रॉक बन के तैयार हुई है। और ये जो गले पे हमने तनी लगाई है इस पर हम इस तरीके से फुजने तैयार कर लेंगे। आई होप आपको मेरा आइडिया पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया हो
तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमने जो पूछने लगाए थे उनको हमने पलट लिया। इस तरीके से ये हमारी एक बेबी गर्ल ड्रेस बन के तैयार हुआ है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।